कटरीना खान कांस में रेड कार्पेट पर वॉक करने वाली हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे कमेंट्स के जरिए ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कांस फिल्म फेस्टिवल होता क्या है। उन सभी लोगों को आज अपनी इस रिपोर्ट में हम कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाले हैं। दरअसल फ्रांस में एक बहुत फेमस रिजॉर्ट सिटी है जिसे कांस कहा जाता है। ये फिल्म फेस्टिवल कांस में ही आयोजित होता है, इसीलिए इसे कांस फिल्म फेस्टिवल कह देते हैं। पहले इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। ये 11 दिनों का फिल्म फेस्टिवल होता है जिसमें दुनिया भर की कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज प्रसारित की जाती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की एक जूरी होती है जो फिल्म्स को सिलेक्ट करके उन्हें अवार्ड देती है। कांस फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। इस साल 2019 में ये फिल्म फेस्टिवल 14th मई से 25th मई तक चलने वाला है। जी हाँ, ये फिल्म फेस्टिवल कुल 11 दिनों का होता है। भारतीय सितारों की बात करें तो इस बार दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर अहूजा, कंगना रनौत, ऐश्वर्या राय बच्चन, हीना खान और हुमा कुरैशी कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर वॉक करेंगी। दुर्भाग्यवश इस बार कोई भी इंडियन फिल्म कांस के लिए सिलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन हिना खान की डेब्यू फिल्म लाइंस को कांस में ही लॉन्च किया जाएगा। ये भी बता दें कि ये फिल्म फेस्टिवल हर साल आम तौर पर मई के महीने में ही आयोजित होता है। सबसे पहले ये फिल्म फेस्टिवल 20 सितंबर 1946 को आयोजित हुआ था। उस वक्त 21 देशों ने अपनी अपनी फिल्मों को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया था। आज भी यही बादस्तूर जारी है। वेल, अब हमें यकीन है कि आप सरसरी तौर पर ये समझ गए होंगे कि कांस फिल्म फेस्टिवल क्या होता है। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।